सो गाइस, इस वाली वीडियो में मैंने सभी बता दिए क्या पॉसिबल अपडेट हो सकते हैं टाउन हॉल 14 या 15 में इन 2022, कौन से ट्रूप्स आ सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो वेलकम ऑन माय चैनल ऋत्विक क्लैश अप। और गाइस, जो भी यहाँ पे चैनल पे न्यू आएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो गाइस यहाँ पे फोकस होने वाला है कि 2022 में क्या ट्रूप्स अपडेट आ सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि मुझे यहाँ पे 2022 में बिल्डिंग्स का जो यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैन के लगता है क्या अपडेट आ सकता है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन में ऊपर दे दूंगा, तो आप उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, या आप मेरे चैनल में ऐसे भी जाके देख सकते हो, वो आपको ऐसे भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इन वाले ट्रूप्स की गाइस मैं यहाँ पे श्योरिटी नहीं लेता, बट जितनी मुझे आज तक यहाँ पे नॉलेज हुई है और एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे टाउन हॉल 8 से मैं खेल रहा हूँ, तो अभी तक मुझे लगता है कि ये सभी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे मेन ट्रूप होने वाला है, जिसका काफ़ी दिनों से हमें यहाँ पे अपडेट देखने को नहीं मिला। तो अभी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे विचेस की। तो विचेस गाइस यहाँ पे काफ़ी दिनों से देखने को अपडेट नहीं मिला है। आपको पता है कि टाउन हॉल 9 से लेके टाउन हॉल 10, 11, 12 कितनी पावरफुल आर्मी है, टूर्नामेंट्स में बैन भी रहती हैं जैप विचेस, क्योंकि सभी को पता है कितनी पावरफुल आर्मी है। बट इनमें एक प्रॉब्लम है कि ये जैसे ही ऊपर, मतलब जितने भी अपर टाउन हॉल्स हैं 13 और 14, इसको यहाँ पे बंदे काफ़ी कम यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम इनका अपडेट आया था टाउन हॉल 13 पे, तो अगर इनका अपडेट यहाँ पे आता है टाउन हॉल 14 पे तो, या 15 पे यहाँ पे अपडेट आता है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा नॉर्मल विचेस पे। बट अगर जहाँ से बात स्विच होके जाती है हमारी सुपर विचेस पे, तो सुपर विचेस गाइस यहाँ पे 100% बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है हमारे TH14 के अटैक स्ट्रेटजी पे। बंदे काफ़ी कम यूज़ करते हैं, बट इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है कि अगर आपको सही से एग्जीक्यूट करना आ गया तो आप किसी भी बेस को ट्रिपल कर सकते हो। ग्राउंड आर्मी में दो आर्मी सबसे बेस्ट होती हैं, जो कि पैका स्मैश और दूसरी हमारी सुपर विचेस। बट टाइम फेल होने के चांसेस के वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे कम यूज़ करते हैं, बट जो नया अपडेट आएगा तो उसमें इनकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रूप की, जो कि होने वाला है हमारा पैका। पैका भी गाइज यहाँ पे, मतलब ग्राउंड ट्रूप्स की बात हो रही है तो इसको हम भूल कैसे जाएं, क्योंकि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी में से एक ट्रूप जो हमारे यहाँ पे, मतलब एक आर्मी होती है पूरी की पूरी, वो होती है पैका स्मैश। आपने देखा होगा क्वीन वोकर में भी एक बंदा यहाँ पे, क्वीन वोकर्स में भी एक बंदा यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, स्टार्ड्रा है या पता नहीं कौन है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है और हर अटैक को ट्रिपल करता है। तो आप ये वाली आर्मी भी काफ़ी यहाँ पे ओपी होगी। और पैका का अपग्रेडेशन भी हमें काफ़ी दिनों से, मतलब इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला, तो इसका भी अपडेट आ सकता है। तो चलिए अभी पैका की बात हो रही है तो हम इसके साथ विजार्ड्स कैसे भूल सकते हैं। नॉर्मल विजार्ड्स गाइस किस चीज़ के लिए काम आते हैं, सिर्फ क्लीन अप के लिए, और ज़्यादा यूज़ नहीं आते। मैं खुद ज़्यादा यूज़ नहीं करता नॉर्मल विजार्ड, बट बात बिल्कुल ही चेंज हो जाती है जब यहाँ पे नॉर्मल विजार्ड्स से हटके हम सुपर विजार्ड्स के बारे में बात करें। तो सुपर विजार्ड्स, आपको सभी को पता है दो कौन सी आर्मी है जिनमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो पहला तो है गाइज यहाँ पे पैका स्मैश विद सुपर विजार्ड्स के साथ जब यूज़ करते हैं बंदे काफ़ी, और दूसरी गाइज यहाँ पे होती है ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड इतनी पावरफुल आर्मी है गाइज, आप किसी भी टाउन हॉल पर यूज़ कर लो, हमेशा ट्रिपल करोगे। हालांकि अगर आप मैं नहीं हूं तो, मतलब मैं तो हर बार फेल कर देता हूं, बट ब्लिज़ार्ड काफ़ी ओपी आर्मी है, तो ब्लिज़ार्ड का यहां पे मतलब आप पैका का भी मान लो और यहां पे आप अपना मान सकते हो सुपर विजार्ड का भी अपडेट आएगा। तो चलिए अभी यहां पे करते हैं नेक्स्ट ट्रूप की बात। नेक्स्ट ट्रूप क्या ट्रूप्स मान के चलो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ में अपग्रेडेशन आती है, लावा होंड और आपके यहाँ पे बैलून्स, दोनों का यहाँ पे अपग्रेडेशन आता है जब भी कोई न्यू टाउन हॉल आता है, या फिर सेम टाउन हॉल के लिए आप बात कर रहे हो तो इनका अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा। इतनी पावरफुल आर्मी है, स्किल्ड अगर आपको अच्छी आती है एयर अटैक्स में, तो आप ये आर्मी, आपने खुद देखा होगा काफ़ी बंदे सीखना चाहते हैं, बट गाइज इतनी पावरफुल आर्मी है तो इसका अपडेट तो ज़रूर आएगा, क्योंकि TH15 या 14 पे भी अगर न्यू डिफेंस आ जाते हैं तो 15 पे ही आएंगे, तो उनका अपग्रेडेशन आना ज़रूरी है, वरना नेक्स्ट टाउन हॉल ट्रिपल होने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रूप की, जो कि होने वाला है हमारा यहाँ पे, आप मान के चल सकते हो कि हेड हंटर। हेड हंटर का भी गाइज यहाँ पे मुझे अब लगता है कि अब डेट यहाँ पे आ सकता है,
क्योंकि टाउन हॉल 15 आती है, यहाँ पे हीरोज की वैल्यू अपग्रेड हो जाती है, तो यहाँ पे हेड हंटर की लेवल भी आपको यहाँ पे सीओसी वालों को अपग्रेड करनी पड़ेगी, उनके चांसेस मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि जैसे कि टाउन हॉल 14 या 15 पे न्यू हीरोज आते हैं तो उनका अपग्रेडेशन ज़रूर आएगा। तो आज की वीडियो गाइज अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को, चैनल को और गाइज सभी चीज़ों को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए गाइज हमारे एफर्ट्स को, थोड़ा सा आप यहाँ पे पुश कर दीजिएगा और सीओसी कम्युनिटी को ग्रो होने में थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मैं रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है मेरी लाइव स्ट्रीमिंग पर भी आप आके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।